यस, सो वी आर लाइव नाउ। वेरी गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं निशा सिंह, रिजल्टपुर के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग। उपासना, आरती और नितिका, विकी, रूपा, प्रीति, वेरी गुड इवनिंग गाइस। ओके जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अंकित, राहुल, वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब लोग। जी, तो सबसे पहले आप सबको क्या बताना है। आई एम विजिबल, ऑडिबल, ऑल गुड। तो आज का सेशन फटाफट से स्टार्ट करेंगे। रंजन, वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू। देखिए भाई, बच्चे बहुत सारे लाइव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अटेंडेंस कम बच्चों की लग पा रही है। मनीषा, राधे राधे, हाउ आर यू, कैसी हैं आप। वेरी गुड इवनिंग। चलिए ठीक है, तो आज का सेशन का स्टार्ट करें। ऑल गुड, आई एम ऑडिबल, विजिबल। सबसे पहले तो आप लोग ये बता दीजिए। जी चलिए ठीक है, अगर सब ठीक है तो बढ़िया है। ठीक है जी, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, आज हमारी जो जर्नी है कहाँ पे पहुंची है, आज हम कौन सी पर्सनालिटी है, कौन से हमारे पेंटर हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वो हैं केजी सुब्रमण्यम और राम कुमार। ठीक है, देखिए मैं हर बार कहती हूँ कि कोशिश मैं ये करती हूँ कि जो भी पर्टिकुलर दो पेंटर्स के बारे में हम लोग बात करें, चाहे वो मूर्तिकार हैं, चाहे वो पेंटर हैं, या तो उनका समय एक दूसरे के, आप कह सकते हैं कि बर्थ टाइमिंग सेम हो, एक दूसरे के बैचमेट्स हो, या उन उनमें कुछ सिमिलैरिटीज हो, ताकि वो चीज़ें आपको समझने में इजी हो जाएं। तो आज के जो हमारे दोनों पेंटर्स हैं, एक हमारे भित्ति चित्रकार हैं केजी सुब्रमण्यम, पेंटिंग के साथ भित्ति चित्र और साथ में लेखक भी हैं, और सेम एज इट इज राम कुमार वर्मा इनका पूरा नाम है, इनके साथ भी यही है। दोनों का बर्थ सेम ईयर का है और दोनों की क्वालिटीज बहुत हद तक एक जैसी हैं। चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि दोनों चित्रकार होने के साथ साथ बहुत अच्छे राइटर्स भी हैं। ठीक है, कौन कौन है जी। केजी सुब्रमण्यम और राम कुमार, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो बच्चे आज क्लास में नए हैं, करना क्या है, जो बच्चे नए हैं भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, और उसके बाद करना क्या है जी, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। हाँ बिल्कुल, दोनों का क्या है 1924। ठीक है, और अगर हम इनके मृत्यु की भी बात करें तो सिर्फ 2 साल का गैप है, दो भी नहीं, 1.5 साल का गैप है वैसे तो। और अगर एज डिफरेंस देखें, अगर इनके मृत्यु का समय देखें, तो अगर कैलकुलेशन के हिसाब से 1 92 ईयर्स के थे, 1 93 ईयर्स के थे। ठीक है, लेकिन अगर वैसे देखा जाएगा तो जो 1.5 साल का गैप है दोनों में, ठीक, तो दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। ओके, नोटिफिकेशन देखिए, मैंने पहले भी बताया मोना कि नोटिफिकेशन यूट्यूब पे सिर्फ कुछ क्लासेस का जाता है। ठीक, हमारी क्लास शाम को होती है, अप्रॉक्स टू ओनली 3 क्लासेस का आई थिंक जाता है यूट्यूब पे, अगर पर्टिकुलर किसी चैनल की क्लासेस चल रही हैं तो वो जो सुबह की क्लासेस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको जाएगा। हमारी क्लास शाम को होती है, तो बैकड्रॉप ये है कि नोटिफिकेशन आपको कभी कभी मिलेगा हमारी क्लास का, मैक्सिमम टाइम नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। ठीक है जी, हाँ, तो इसके लिए आपने करना क्या है, इसलिए मैं कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद भाई आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आपने करना क्या है कि प्लेलिस्ट में जाके और नेक्स्ट क्लास जो पब्लिश होती है वो भी आपको देख लेनी है साथ के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है नितिका, वेरी गुड इवनिंग जागृति, लीलावती, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई। अब देखिए क्या है, टेलीग्राम ग्रुप के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इसके बाद ये मेरी इंफॉर्मेशन, सॉरी इंट्रोडक्शन है, अगर आप लोगों को मेरी इंट्रोडक्शन देखनी है तो आप ये भी देख सकते हैं। हाँ देखिए, जो बच्चे जो है ना, अगर आप नोटिफाई मी उस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएगी। ठीक है, बाकी की कम जाती है। ठीक है जी, हाँ जी जागृति, बिल्कुल ठीक हूँ। सॉरी, फ्राइडे को आपकी क्लास का रीजन है नहीं हो पाए, क्योंकि उस दिन शाम के टाइम पे बहुत ज्यादा स्टॉर्मिंग हो रही थी और एकदम से पूरा इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई यहाँ पे, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, 6 7 घंटे तक लगातार लाइट नहीं थी, तो इस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई। ठीक है, नेट की प्रॉब्लम होती तो शायद थोड़ा बहुत तब भी क्लासेस हो पाती, इस वजह से लाइट नहीं हो पाई, क्योंकि शाम को वैसे भी क्लासेस के लिए आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक,
हाँ जी, क्योंकि ज्यादा टाइम से कट था तो इसलिए क्लासेस नहीं हुई। ठीक है जी, तो बातें होगी, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड इवनिंग गाइस, जो बच्चे बाद में ज्वाइन किए हैं सबको वेरी गुड इवनिंग। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच जी अनुपम, नमस्ते। चलिए ठीक है जी, तो आज के हमारे चित्रकार हैं KG सुब्रमण्यम। KG सुब्रमण्यम एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक तरफ आप इनको देख पा रहे हैं, ठीक, ये इनकी इमेज है, जितनी इनकी पर्सनैलिटी देखने में अच्छी लग रही है, जितना इनका स्माइलिंग फेस है, उतने ही ज्यादा गंभीर व्यक्तित्व वाले ये चित्रकार थे। यानी कि ये बात बहुत कम करते थे, बहुत गंभीर रहते थे। और अगर बात करें इनकी पेंटिंग्स की, तो देखिए यहाँ पे दूसरी तरफ आपको थोड़ा सा ये दिखाई दे रहे हैं, कुछ पेंटिंग बना रहे हैं। तो ये क्या है, ये जो इनके भित्ति चित्र हैं वो उनकी फॉर्मेशन, इन्होंने बहुत तरह की भित्ति चित्र बनाए हैं। लेकिन अगर अगर आप में से किसी ने शांति निकेतन का कला भवन, अगर आपने कभी किसी ने सर्च किया होगा, अगर आपने वहां पे देखा होगा, तो वहां पे आपको कुछ यही पैटर्न्स दिखाई देंगे, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। तो ये किसने बनाए थे वहां पे, ये बनाए हैं KG सुब्रमण्यम ने। कहाँ पे जी, शांति निकेतन का जो कला विभाग है, ठीक, उसके जो भित्ति चित्र हैं किसने बनाए हैं, ये बाहर से अगर वो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है, बहुत सुंदर उस पे चित्रण किया गया है, वो किसने किया है, वो KG सुब्रमण्यम ने किया है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहले इनकी इंट्रोडक्शन देखेंगे, KG सुब्रमण्यम। ये जब हम KG सुब्रमण्यम के बारे में बात करते हैं, ये भारत के उन गिने चुने चित्रकारों में से एक हैं जिन्होंने पूरे तरीके से, अभी तक तो हम बात करते हैं कि पश्चिमी शैली से हमने ये अडॉप्ट किया, भारतीय शैली को हमने ये अडॉप्ट किया, लेकिन अगर प्रोफेशनली या अगर हम एक सत्यता के साथ देखें कि ये भारत के उन गिने चुने चित्रकारों में से एक है जिन्होंने जो यूरोपियन शैली थी, यानी पश्चिमी शैली, और भारतीय चित्रकला, इन दोनों को मिक्स करके, बिल्कुल इक्वली मिक्स करके अपने चित्रों का निर्माण किया है, ठीक है। तो वो कौन है, वो KG सुब्रमण्यम है, जिन्होंने एक समान रूप से दोनों शैलियों को मिक्स करके जो है अपनी चित्रकारी की, अपनी पेंटिंग्स बनाई हैं। कौन है, KG सुब्रमण्यम है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जितने आपको इनका स्माइलिंग फेस अभी पीछे इनकी इमेज में दिखाई दे रहा था, ये उतने ही ज्यादा गंभीर रहते थे, बातचीत बहुत कम करते थे, और ये अपनी पूरी की पूरी एकाग्रता, यानी आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी कंसंट्रेशन, बात करने में कम, अपने काम पे ज्यादा लगाते थे। और कहीं ना कहीं वो दिमाग से, इनकी दिमाग की जो उपज है, वो इस तरह के अलग तरह के भित्ति चित्र हैं, अलग तरह का इनका कार्य है जो हमें देखने को मिलता है, जो इनको इंटरनेशनली फेमस बना देता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, चाहे अपने भित्ति चित्रों की बात हो, और अगर हम इनकी पेंटिंग्स की बात करते हैं, तो इन्होंने क्या किया है, जो अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग थी उसी को ही इन्होंने भी अपनाया है। अब ये बोलते कम थे और दिमाग से ज्यादा काम करते थे, यानी कि इनकी पेंटिंग्स में भी कहीं ना कहीं वो विचार, वो बौद्धिक क्षमता आपको दिखाई देगी, जो अन्य चित्रकारों की पेंटिंग्स में नहीं दिखाई देगी। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, स्कॉलर कलाकार, या इनको बुद्धिमान चित्रकार कलाकार भी कहा जाता है, या बौद्धिक चित्रकार कलाकार भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी, KG सुब्रमण्यम को, ठीक है। ये आपको पूछा जा सकता है, यानी कि क्या है, ये 1008 वाला क्वेश्चन है, श्री श्री 1008 वाला क्वेश्चन है, जहाँ पे अगर किसी भी पेंटर को, जो उनको स्पेसिफिक उनके नामों से, या उनको कुछ हम लोग कहते हैं ना कि उनको ये नाम दिया गया है, अगर उन नामों से वो फेमस है, तो वो आपके लिए वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद बात करेंगे, ये तो हमने बात की इनकी पेंटिंग के बारे में, इसके बाद बात करेंगे इनकी राइटिंग के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बहुत उच्च कोटि के लेखक भी थे। अगर हम बात करें इनके समय के जितने भी राइटर्स थे, कला इतिहासकार थे या कला समीक्षक थे, उनसे भी ज्यादा अच्छी राइटिंग इनकी थी। क्यों, क्योंकि वही बात कि अपने दिमाग से बहुत इन्होंने काम किया है, बहुत एक्सपेरिमेंटल, और जो भी चीजें दी हैं वो अपनी बौद्धिक क्षमता के हिसाब से दी हैं। यानी कि ये बड़े से बड़े जो उस समय के कला समीक्षक थे, कला इतिहासकार थे, उनके ऊपर इनके जो रिटर्न थी, इनका जो राइटिंग क्षमता थी, वो उनके ऊपर हावी थी। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये उच्च कोटि के लेखक भी थे। अब बात करेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है मूविंग फोकस है, द लिविंग ट्रेडिशन है, और पर्सपेक्टिव ऑन मॉडर्न इंडिया आर्ट। ये इनकी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वो बुक्स हैं जहाँ से आपको कई बार पूछा जाता है। अभी अगर हम बात करें मूविंग फोकस, तो ये प्रीवियस ईयर्स में 2-3 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हो सकता है इसके बाद जो बाकी 2-3 और बचे हैं वो भी पूछे जा सकते हैं आपसे, तो उस लिहाज से ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलिए हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इनके जन्म की, कि इनका जन्म कब हुआ। इनका जन्म हुआ है 1924 में केरला के पालघाट, और पालघाट में भी कहाँ पे, कुथुपरम्बा, ये जगह है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करें,
तो ब्राह्मण फैमिली थी, बहुत बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की फैमिली थी, आप कह सकते हैं कि घर में क्या धार्मिक एटमोसफियर था, तो उसी हिसाब से आगे बच्चे भी, उनकी बौद्धिक क्षमता उसी हिसाब से आगे बढ़ती गई। देखिए क्या कहा भी जाता है, चाहे आप हैं चाहे हम हैं, कि बच्चे को जैसा संस्कार बचपन में दिए जाएंगे वो कहीं ना कहीं बाद में दिखाई देते हैं, तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही था, इसीलिए शायद बात भी बहुत कम करते थे। घर में अगर बात की जाए तो इनकी फैमिली, जैसे कि मैंने कहा आपको बताया कि ब्राह्मण फैमिली थी, तो घर में जो है एकदम ये तमिल और संस्कृत भाषा यूज करते थे, और बाहर जाते थे, यानी अगर हम इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें या बाहर जैसे केरला में और भी कहीं बाहर जगह पे गए, तो वहाँ पे मलयालम लैंग्वेज भी यूज करते थे, यानी कि ये सारी भाषाओं का इनको ज्ञान था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा केरला में ही हुई है, लेकिन इसके बाद अगर बात करें कि इनकी जो आगे की शिक्षा है वो कहाँ पे हुई, तो स्नातक की शिक्षा के लिए इनको प्रेसिडेंटी कॉलेज में एडमिशन कराया गया था 1941 में चेन्नई में। ठीक है जी, कब कराया गया था, 1941 में। देखिए यहाँ पे आपको टाइमिंग नहीं पूछी जाती है कि कौन से जो है टाइम पे जी किसने कहाँ पे एडमिशन लिया, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, जैसे जैसे अगर इनके लाइफ साइकिल या लाइफ टाइमिंग के बारे में आपको पता होगा तो बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाती हैं। ठीक, तो देखिए जब इनका एडमिशन हुआ प्रेसिडेंट कॉलेज में, तो वहां से इन्होंने स्नातक कर ली। इसके साथ क्या हुआ, जब ये वहां पे स्टूडेंट थे तो जैसे जैसे पढ़ाई करते गए, तो कहीं ना कहीं ये मार्क्स, ठीक है, मार्क्सवादी विचारधारा, ये मार्क्स की बात करें और महात्मा गांधी की बात करें, तो इनके विचारों से ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इनके विचारों से ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे। अब हुआ क्या, अगर हम किसी राजनेता की बात करेंगे, कि कोई सोशल एक्टिविस्ट है उसकी बात करेंगे, अगर आप उनके विचारों से प्रभावित है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो प्रवृत्ति आ जाती है, आप भी अब वो चीजें उस तरह से सोचना शुरू कर देंगे। क्यों, क्योंकि उनकी बातें कहीं ना कहीं आपको प्रभावित कर रही है। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि अब इन सबको सुन के अब ये इनका कहीं से कहीं राजनीतिक में भी इनका जो है हम लोग कह सकते हैं कि एंट्री हो जाती है। ये किसी चुनाव में तो नहीं जाते हैं, राजनीति की बात आपने ये नहीं सोचना है कि आज के समय को देखें ना, राजनीति का मतलब है कि आप कहीं चुनाव लड़ रहे हैं, उस समय की राजनीति का मतलब है कि उस समय भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, ये भारत छोड़ो आंदोलन में ये एकदम एक्टिव मेंबर थे, ठीक है, एकदम एक्टिव मेंबर थे, यानी कि उसमें सक्रिय थे, और वो भी ऐसा नहीं था कि एक दो बार गए या अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से जी इन्होंने ट्रिब्यूट दे दिया या किसी आंदोलनकारी की पेंटिंग्स बना दी, नहीं, ये जो हम लोग कह सकते हैं कि कोई आंदोलनकारी है, जो शीर्ष मुख्य आंदोलनकारी थे, चाहे अगर हम बात करें कि महात्मा गांधी हैं या उनके साथ जो और भी जो बड़े बड़े नेता थे, उनके साथ जो कुछ मेन लोग होते थे उनमें ये भी थे, ठीक है, उनमें ये भी थे। आपको कहानी आगे धीरे धीरे समझ में आएगी कि इसमें इसी विधि में हुआ क्या था, कि आगे चल के इनको 1945 में जी इनको जेल में डाल दिया गया था, और वो भी 6 महीने के लिए। क्यों, क्योंकि ये इतने मुख्य रूप से इन सब आंदोलनों में भाग लिया करते थे कि कहीं ना कहीं जो हम लोग बात करते हैं ना कि जो आगे होता है, जो बड़ा बढ़ चढ़ के भाग लेता है जी, उनको तो अंदर कर दिया जाता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे इनके साथ ये भी बात थी, तो इनको जो है 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया था। अब यहाँ पे एक चीज जो आपको समझनी है, अभी तक हमने जितने भी इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा है सबके बारे में यही पढ़ा जी, इनको बचपन से मूर्तिकला का शौक था, इनको बचपन से जो है पेंटिंग का शौक था, इन्होंने अपने घर की दीवारों पर पेंटिंग बनाई, इनकी माता जो है वो पेंटर हैं या मूर्तियां बनाती हैं, इनके पिता पेंटर हैं, यानी घर में कोई ना कोई था, चाचा थे मामा थे, तो कहीं ना कहीं देख के इंस्पायर हुए और वो बचपन से पेंटिंग करते थे। कुछ ऐसे भी चित्रकार थे जिनका आगे पीछे कोई पेंटिंग करने वाला नहीं था, कोई कलाकार नहीं था, लेकिन उनको बचपन से शौक था पेंटिंग करने का, उन्होंने शौक तो उन्होंने वो उस चीज को आगे हासिल भी किया, यानी कि कला की जो एजुकेशन है उन्होंने फिर उस हिसाब से शुरू की। इनके साथ बिल्कुल उल्टा हुआ है, अभी तक ये पहले ऐसे चित्रकार हैं जिनके बारे में अभी तक हम पढ़ चुके हैं, उनमें से ये पहले ऐसे के जी सुब्रमण्यम ऐसे चित्रकार हैं जो बचपन से बिल्कुल पेंटिंग्स में इनको नहीं था, ज्ञान नहीं था कि भी कला कैसे करनी है, इनको शौक भी नहीं था ज्यादा। ये एक्सीडेंटली जो है इनको शांति निकेतन में डाल दिया गया, और वहां से इनकी कला की जो यात्रा है वो आरंभ हो जाती है। बचपन से इनको यही था कि भाई पंडित परिवार है और पढ़ाई लिखाई करनी है, और जो अपना धार्मिक प्रवृत्ति है प्रचलन है उनको ही फॉलो करते थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि परिवार भी इनका काफी बड़ा था, तो उसी हिसाब से आगे चीजें चलती गई। अब जैसे कि मैंने आपको कहानी बताई कि 1943 में जब इनको 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया, तो फैमिली की तरफ से काफी दबाव बनाया गया कि भाई अब ये चीजें छोड़ दो, अगर आपको करना भी है हम लोग भी जाते हैं आंदोलनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन आपको जो मुख्य शीर्ष के लोग हैं उनके साथ आपको नहीं जाना है, थोड़ा सा ये चीजें आप पीछे करिए कि कम से कम आपकी लाइफ जो स्पॉइल ना हो इस चक्कर में, यानी कि
मॉरल ऑफ द स्टोरी कि जैसे आपको और हमें सिखाया जाता है कि भाई किसी आगे किसी ऐसी चीज में नहीं जाना है जहाँ पे आप फंस जाओ, ठीक है। अगर ऐसे अपने काम करना है करिए, डायरेक्टली जो है आपको आगे नहीं जाना है। लेकिन इन्होंने अपने घर वालों की बात नहीं मानी और उसके बाद भी क्या हुआ, ये लगातार जो है आंदोलनों में भाग लेते रहे और बढ़ चढ़ कर भाग लेते रहे। अब इसके बाद तंग होकर इनके जो बड़े भाई थे उन्होंने क्या किया, ठीक है जी, इन्होंने तंग इनके जो बड़े भाई थे उन्होंने तंग होकर क्या किया कि इनकी एडमिशन, ठीक है, इनकी एडमिशन कहाँ करा दी, शांति निकेतन में। इनको वहां भेज दिया कि भाई घर से थोड़ा दूर रहेंगे, इन सब चीजों से दूर रहेंगे तो क्या होगा, शांति निकेतन में डाल दें, क्योंकि इनको पता था कि शांति निकेतन का जो माहौल है, जो शिक्षा वहां पे दी जाती है वो किस पद्धति की दी जाती है। तो इन सब चीजों को, यानी कि जो राजनीति वाली चीजें थी, इन सबसे बचाने के लिए इनके जो बड़े भाई हैं उन्होंने इनको शांति निकेतन में डाल दिया। अब ये यहाँ पे क्या है जी, एक्सीडेंटल, जिसको कहा जाता है ना कि एक्सीडेंटल पेंटर या कलाकार बन गए हैं। अब यहाँ से इनकी क्या हो जाएगी, यहाँ से इनकी कला की यात्रा शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक तो ये बातचीत कम करते थे, अगर इन्होंने किसी चीज में अपना ध्यान लगाया तो पूरी एकाग्रता के साथ लगाया, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन था, चाहे हम स्वतंत्रता संग्राम के बाकी आंदोलनों की बात करें, चाहे अब इनकी हम कला की शिक्षा की बात करेंगे। अब देखिए जब यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो कला की शिक्षा भी कुछ इस तरीके से ये लेंगे कि इनके जैसा कोई और कलाकार नहीं बन पाएगा। इतने ज्यादा अपने भित्ति चित्रों पे ये एक्सपेरिमेंट करेंगे कि उसमें नए नए आयाम स्थापित कर देते हैं। भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला की बात नहीं कर सकते, भारतीय चित्रकला, और अगर भित्ति चित्रकला की बात करें, भित्ति चित्रण की बात करें, तो उसमें एक इन्होंने इतिहास स्थापित किया है। और वो किस तरह से है आगे हम बढ़ते जाएंगे। अब देखिए जी, कला की शिक्षा इनकी आरंभ होगी 1944 में, जब इनका एडमिशन यहाँ पे कराया गया था। सॉरी, जो उससे पहले की बात थी वो 1943 की थी, अब 44 में जब इनका एडमिशन करा दिया गया तो उस समय रविंद्रनाथ जो टैगोर थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अभी यहाँ पे जो शीर्षक थे, यानी आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पे आ, आ, शांति निकेतन में जो बात करेंगे सक्रिय रूप से कौन कौन यहाँ पे शिक्षण कार्य करा रहा था, तो उसमें नंदलाल बसु थे, राम किंकर वैश थे और विनोद बिहारी मुखर्जी थे। अगर इनकी गुरु की बात की जाए कि भाई इनका गुरु कौन है, तो इनको विनोद बिहारी मुखर्जी के साथ इनको काम करने का मौका मिलता है। इनके गुरु कौन है, विनोद बिहारी मुखर्जी हैं जी। हाँ, वही विनोद बिहारी मुखर्जी जो शायद देख नहीं पाते थे सही से, ठीक है, उनके ही ये क्या है, शिष्य हैं। और इन्होंने इनकी लाइफ को इतना ज्यादा चेंज कर दिया कि कहीं ना कहीं जो अपने गुरु से इन्होंने भित्ति चित्र की शिक्षा ली, उन्होंने नए आयाम स्थापित किए। अब इनके साथ साथ ये राम किंकर जो बैच थे उनके साथ भी इनके संबंध बहुत अच्छे थे, ये भी एक तरह से इनके गुरु थे। इनको चित्रकला की शिक्षा नंदलाल बसु ने भी दी है, लेकिन नंदलाल बसु ने इनको चित्रकला की शिक्षा जो है विनोद बिहारी और राम किंकर के बैच के कहने के बाद दी। क्यों, क्योंकि एक तो ये एकदम नए छात्र थे कला के क्षेत्र में, लेकिन जब इन्होंने जो है पेंटिंग्स और इस तरह का काम करना शुरू किया तो धीरे 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 इनकी पकड़ इतनी मजबूत होती गई कि विनोद बिहारी ने आग्रह किया नंदलाल बसु को कि आपको इनको सिखाना चाहिए, और नंदलाल बसु ने भी इनको क्या किया, पेंटिंग की कला की शिक्षा दी है। तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई जी। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। हाँ देखिए, अगर इनके गुरु के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो वो कौन है, विनोद बिहारी मुखर्जी ही हैं, ठीक है, अगर इनके जो प्रमुख गुरु हैं। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है ऑप्शंस के हिसाब से है, उसके बाद जो विनोद बिहारी मुखर्जी हैं इन्होंने आग्रह किया था कि आपको इनको भी सिखाना है। और उसके बाद जब नंदलाल बसु ने इनको कला की शिक्षा इनको दी, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि नंदलाल बसु के जो प्रमुख शिष्य थे उनमें इनको भी गिना जाता है, ठीक है, के जी सुब्रमण्यम को इनको भी गिना जाता है। और इन्होंने अपने गुरु के लिए एक ट्रिब्यूट भी दिया था, जो इन्होंने आखिरी भित्ति चित्र बनाया था शांति निकेतन में, वो नंदलाल बसु के लिए बनाया था। ये मैं आपको आगे आगे अभी चल के वो चित्र मैं आपको दिखाऊंगी भी, जो भित्ति चित्र इन्होंने नंदलाल बसु की याद में बनाया, ठीक है जी। चलिए, अब इसके बाद 1947 में विनोद बिहारी मुखर्जी इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने शांति निकेतन के जो हिंदी भवन था वहां पे ये एक भित्ति चित्र बना रहे थे। पता है आपको कौन सा भित्ति चित्र है, हम लोग दिखा भी चुके हैं, उसके बारे में बात भी कर चुके हैं, जो मध्यकालीन संतों के ऊपर जो उन्होंने भित्ति चित्र बनाया था, कब बनाया था, 1947 में। तो उस भित्ति चित्र को जब वो बना रहे थे, तो इस भित्ति चित्र को बनाते हुए उन्होंने के जी सुब्रमण्यम से कहा कि भाई आप मुझे इसमें सहयोग करिए, ठीक है। तो यानी कि जो इन्होंने ये भित्ति चित्र बनाया था मध्ययुगीन संतों का, इसमें जो कुछ आकृतियां हैं वो के जी सुब्रमण्यम ने भी बनाई है,
ठीक है, किसने बनाई है? केजी सुब्रमण्यम ने भी बनाई है। अब यहाँ पे आपको जो एक चीज समझनी है, हम पहले भी बार बार बात बात कर चुके हैं इस बारे में कि जब शांति निकेतन के शिक्षण के बारे में बात की जाती है, चाहे वह आप अवनींद्रनाथ टैगोर की बात करें, चाहे नंदलाल बसु की बात करें, चाहे इसके बाद आगे जो इनके स्टूडेंट है असित कुमार हलदर है, राम किंकर बैच है, ये विनोद बिहारी मुखर्जी है, इनकी अगर बात करें, जैसे जैसे इनके गुरुओं ने इनको ट्रेंड किया, आगे चल के इन्होंने भी अपने शिष्यों को वैसे ही ट्रेंड किया जैसी परंपरा इनके गुरुओं ने अपने शिष्यों के साथ रखी, आगे चल के इनके शिष्यों ने अपने शिष्यों के साथ भी वही परंपरा रखी। यानी कि मॉरल ऑफ द स्टोरी कि देखिए यहाँ पे ये अपना लाइफ का एक मास्टरपीस बना रहे थे विनोद बिहारी मुखर्जी, और उसमें उन्होंने किसका सहयोग लिया है? केजी सुब्रमण्यम का सहयोग लिया है। यानी कि इस मध्ययुगीन संतों का जो भित्ति चित्र है, इसमें कुछ आकृतियां जो है केजी सुब्रमण्यम ने बनाई है। अभी यहाँ पे आपको एक चीज ये समझनी है कि उस गुरु को कितना विश्वास होगा अपने स्टूडेंट पे कि वो अपना मास्टरपीस बना रहे हैं, और वो भी स्टूडेंट वो अभी सीख रहा है, उसके बाद भी एक वो आप विश्वास कह लीजिए, एक सम्मान कह लीजिए दोनों का एक दूसरे के प्रति, कि उन्होंने इतना अच्छा कार्य करके उनको दिखाया और उन्होंने उन पर विश्वास किया, और यही आगे चलकर केजी सुब्रमण्यम अपने स्टूडेंट्स के साथ भी करेंगे। ठीक है, ये कहानी आगे कंटिन्यू होती रहेगी। क्यों? क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे इनके कार्य और सेवाएं। 1951 में ये शांति निकेतन से जब इन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली, तो उसके बाद ये बड़ौदा के MS विश्वविद्यालय, उसका जो ललित कला संकाय था, उसमें एज ए टीचर ही इन्होंने क्या किया, वहां पे ज्वाइन कर लिया था 1951 में। 55 में लंदन विश्वविद्यालय का स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट्स है, यहाँ पे इनको फेलोशिप प्राप्त हुई थी शोध के लिए। उसके बाद 1958 से 61 के बीच में ये हैंडलूम बोर्ड के उपनिदेशक भी रहे, डिजाइनर जिसको आप कहते हैं। अब ये सब जब हो गया, इतना इन्होंने काम कर लिया, इसके बाद ये फिर वापस चले जाते हैं बड़ौदा के MS विश्वविद्यालय में, और यहाँ पे दोबारा एज अ टीचर यहाँ पे पढ़ाना दोबारा से शुरू कर देते हैं। 1974 से 76 तक ये क्राफ्ट काउंसलिंग ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे हैं, और 1980 में शांति निकेतन में चले गए थे। यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे ये एमेरिटस प्रोफेसर के रूप में जाते हैं, यानी कि सामान्य आचार्य। जब हम शांति निकेतन के लिए सामान्य आचार्य ये वर्ड यूज करते हैं, तो आपको पता है कि शांति निकेतन में एक पर्टिकुलर शिक्षण विधि से शिक्षा कराई जाती थी, यानी शांति निकेतन में क्या था, आश्रम पद्धति से शिक्षा दी जाती थी। तो वहां पे हमने क्या वर्ड यूज करना है जी, सामान्य आचार्य, यानी कि जो एक नॉर्मल टीचर होता है, ठीक है, उसी की तरह इन्होंने यहाँ पे शिक्षा दी है। ठीक है जी, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? हाँ, ये आगे, हाँ, इनकी स्टूडेंट रही है केजी सुब्रमण्यम की, नीति का बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन देखिए दो तीन है, जैसे कि राजस्थान के क्राफ्टमैन कहे जाते हैं ग्यारसील वर्मा, ठीक है, उन्होंने भी इनकी हेल्प की है, वो भी इनके गुरु थे। ठीक है, तो ये कहानी लंबी है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मेन है। ठीक है, अभी इसके बारे में बात करेंगे, धीरे धीरे ये चीजें क्लियर होती जाएंगी उसके बाद। अब इसके बाद बात करेंगे इनकी चित्रण तकनीक, यानी कि जो इनकी जो पेंटिंग्स की टेक्निक थी, यानी उसमें माध्यम क्या क्या थे, क्या क्या ये यूज करते थे। ठीक, तो जी इन्होंने जल रंगों के साथ, यानी कि जो वाटर पेंट्स हैं उसके साथ साथ इन्होंने ऑयल पेंट्स का भी यूज किया है, और वो कैसे यूज किया है कि उनको मिश्रित करके यूज किया है। अच्छा, ये चीज तो समझ में आती है कि ऑयल पेंट के साथ भाई कोई वाटर पेंट जो है कैसे मिक्स कर सकता है, फॉर्मेशन ही नहीं बन पाएगी, पेंटिंग ही नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे आपने समझना क्या है, यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे इसका तात्पर्य ये है कि हाफ पेंटिंग जो है, इन्होंने ऐसे भी पेंटिंग्स बनाई थी जिसमें हाफ पेंटिंग वाटर कलर से वाटर कलर यूज किया, हाफ पेंटिंग में जो है ऑयल पेंट यूज किया है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ से क्या हो रहा है, जब हम के जी सुब्रमण्यम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे चीजें इनके केस में बहुत अलग हैं। क्या अलग है? एक तो उन्होंने शुरुआत से कला की शिक्षा नहीं ली, इनको पहले शौक नहीं था। दूसरी बात, अब इनके टेक्निक भी बिल्कुल डिफरेंट होगी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैनवस को छोड़ के, अगर धरातल की बात करें कि किस पे इनका जो बेस था पेंटिंग का वो क्या था, तो कैनवस को छोड़ के इन्होंने एक्रेलिक शीट और प्लास्टिक शीट्स, ठीक है, फाइबर शीट्स, इन पे इन्होंने पेंटिंग की है। और किस माध्यम से, वो भी जल रंग से और जो ऑयल पेंट्स हैं यानी तेल रंग, दोनों का यूज किया है। ठीक, अब ये देखिए, अगर प्लास्टिक शीट्स की बात करें, तो इन शीट पे भी ये जल रंग और तेल रंगों को कुछ कुछ मिला के फिर पेंटिंग करते थे, उनका मिश्रण बना के पेंटिंग करते थे। ये भी इन्होंने एक नई तरह की टेक्निक्स यूज करी थी। और अगर इनकी पेंटिंग की बात करें, अगर आपको पूछा जाता है कि इनकी पेंटिंग में रेखा का क्या माध्यम था या रेखा का क्या महत्व था, तो इनकी पेंटिंग्स में रेखा का स्वतंत्र माध्यम था। यहाँ पे रंग भी एकदम फ्री थे, इन ये सोच के नहीं करते थे कि भाई
ये इसका जो है पॉजिटिव कलर मुझे यूज करना है, इनको जो अच्छा लगता था इन्होंने वो किया है, कि एक विरोधी कलर यूज करने हैं या समावेशी कलर यूज करने हैं वो इन्होंने नहीं किया है, इनको जो अच्छा लगा इन्होंने वही किया। इन्होंने जो, अगर हम कलर्स की बात करें चाहे रेखांकन की बात करें, वो इनकी पेंटिंग्स में एकदम क्या था, एकदम फ्री हैंड था, स्वतंत्र महत्व था दोनों का, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए इनके बारे में। अब इसके बाद ये देखिए, ये इनकी एक पेंटिंग है, इसका टाइटल है एगलेस कॉम्बैट, ठीक है। ये इनकी पेंटिंग है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये इन्होंने वाटर पेंट इसमें यूज किया है, ठीक है। और उसके बाद जो जो नीचे वाला पार्ट है ये इसपे इन्होंने ऑयल पेंट यूज किया है, और इसका माध्यम क्या है, ये एक्रेलिक, सॉरी बेस क्या है, एक्रेलिक शीट पे इन्होंने ये पेंटिंग बनाई है, ठीक है। हाँ, इन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे। एक तो देखिए आपको इनकी पेंटिंग्स में एक्सपेरिमेंट दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जो भित्ति चित्रों की बात करेंगे, तो आज की डेट में आपने सुना है ना टेराकोटा की टाइल्स होती हैं, तो अगर उसकी शुरुआत किसी ने की है तो वो इन्होंने शुरू की थी पेंटिंग्स में भी, ठीक है। अब उसके बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी क्या है, पेंटिंग्स को आप देख लीजिए कि पेंटिंग्स में इन्होंने किस तरह का जो है चित्रण किया है। और अगर पेंटिंग में भी बात करेंगे तो मैं बार बार कहती हूँ कि इन्होंने क्या किया जी, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, यानी चाहे चाहे वो हम मानवीय आकृतियां हैं उनकी बात करें, चाहे इन्होंने कुछ एक जो हम लोग कहते हैं ना परिदृश्य बनाए हैं, वो भी कैसे बनाए हैं, अमूर्त, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स हैं, और वो इस तरह से होती हैं। हम लोग काफी टाइम से देखते आ रहे हैं कि भाई एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स कौन सी हैं। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग वो होती है जिनको आप मॉडर्न आर्ट कहते हैं, जिनकी बनावट थोड़ी आड़ी टेढ़ी होती है। नितिका आपने यही कहा था ना, थोड़ी तिरछी होती है, ठीक है जी। हाँ चलिए ठीक है, तो यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं अच्छे से ना। हाँ बिल्कुल, मैं जैसे पढ़ना है जी, समझ समझ के। अब इसके बाद जो इनका मेन एरा था है ना, क्या था, भित्ति चित्र। इनके बारे में ही कहा जाता है कि एक ये भी भित्ति चित्र का एक एरा था जिस समय पे इस तरह के काम हुए हैं, क्यों, क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंट ऐसे ऐसे किए हैं। अगर बात करेंगे इनकी भित्ति चित्रों की, अगर आपको पूछा जाता है कि इनके भित्ति चित्र किस पे, इनके भित्ति चित्रों पे किसका आपको प्रभाव दिखाई देता है, तो वो गुजरात और राजस्थान की जो कला है, समृद्ध लोक कला। और जब हम गुजरात और राजस्थान, यानी कि भारत के एकदम पश्चिमी छोर, पश्चिमी, ठीक है, और वहां की भी अगर हम बात करते हैं, मैंने पूरे डिटेल में आपको पढ़ाया है कि अगर जब हम गुजरात और राजस्थान की बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा, वो भी लघु चित्रकला, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, जहां से हमने शुरुआत की थी कि भाई अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कहाँ से आरंभ हुई है, तो वो गुजरात और जो राजस्थान का बॉर्डर है वहीं से क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट शैली, अपभ्रंश शैली है ना, वहीं से शुरुआत हुई थी। तो धीरे धीरे वही चीजें हम देखते आएंगे कि वही चीजें आगे बढ़ती आ रही, बस उनकी फॉर्मेशन जो है वो थोड़ी थोड़ी चेंज हो गई है, वर्ड्स जो है मॉडर्न हो गए हैं, वहां पे अपभ्रंश था, यहाँ पे हम अमूर्त यूज कर रहे हैं, अब्स्ट्रैक्ट यूज कर रहे हैं। और अगर दोनों का मेल, अगर आप सो देखें मीनिंग दोनों का क्या है, तो अपभ्रंश का मीनिंग होता है कि जिसका कोई आकार ना हो, और अब्स्ट्रैक्ट का भी यही मीनिंग होता है ना, जिसका कोई आकार ना हो, टेढ़ा मेढ़ा। तो चीजें वही है, बस थोड़ा सा क्या है, वर्ड्स की हेरा फेरी है ना। तो यहाँ पे जी इनके जो भित्ति चित्र हैं उस पे गुजरात और राजस्थान की जो लोक कला है वो आपको कहीं ना कहीं उसका प्रभाव दिखाई देता है। अभी मैं भित्ति चित्र इनके दिखाऊंगी तो आपको चीजें और समझ में आएंगी। अब देखिए केजी सॉरी जब केजी सुब्रमण्यम, ये इन्होंने क्या किया था, जब विनोद बिहारी अपना एक म्यूरल बना रहे थे, कौन सा म्यूरल बना रहे थे ये जब इन्होंने अपना म्यूरल, जैसे इन्होंने अपना म्यूरल बनाया था, हमने बात की शांति निकेतन की, ठीक है, यानी कि अपना जब मास्टरपीस बना रहे थे, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने स्टूडेंट की हेल्प ली थी। ऐसे ही चल के, मैंने आपको कहा था कि कहानी लिंक होगी, ऐसे ही आगे चल के जब के जी सुब्रमण्यम नई दिल्ली में ये गांधी दर्शन अपना एक म्यूरल बना रहे होते हैं, तो इन्होंने अपने एक स्टूडेंट को जिनका नाम था लक्ष्मा गौड़, ठीक है, और ये हैदराबाद की बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं, इन्होंने भी इसी कहानी को दोहराया, इसी परंपरा को दोहराया, अपने इस म्यूरल में इन्होंने क्या किया, लक्ष्मा गौड़ की हेल्प ली थी 1969 में। यानी कि अभी ये तो हम एक की बात कर रहे हैं, इसके बाद इन्होंने जब लखनऊ में, लखनऊ के रविंद्रालय में 1962 से 1963 के बीच में, ये तो उसके पहले की बात है, खैर, तो जब इन्होंने यहाँ पे रविंद्रालय के जो बाहर वाला पार्ट है, बाहर की वॉल पे जब इन्होंने किंग्स ऑफ डार्क चैम्बर बनाया था, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया था, एक नई टेक्निक बनाई थी कि इन्होंने टेरिकोटा की छोटी छोटी टाइल्स बनाई थी, और कम से कम कितनी है जी, 13,000 इन्होंने वो टाइल्स बनाई थी। और इस टाइल्स को बनाने में उनकी किस हेल्प किसने की थी, तो राजस्थान के क्राफ्टमैन उनको कहा जाता है, उनको उपाधि दी गई है राजस्थान के क्राफ्टमैन, उनका नाम है ग्यारसी लाल वर्मा, ठीक है, ग्यारसी लाल वर्मा उनका नाम है। आगे आपको मटेरियल उनके बारे में मिल भी जाएगा, मैंने उनको उनके बारे में कुछ ऐड भी किया है।
उन्होंने इनकी हेल्प की थी, यानी ये भी अपने गुरु की परंपरा को आगे धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। अब अगर हम बात करें किंग्स ऑफ चैम्बर जो लखनऊ में इन्होंने रविंद्र आले की बाहरी वॉल जो है उस पर बनाई थी, तो इसका अगर डायमेंशन आपको चेक करना है तो ये है जी 81 फीट लंबी है ये और 5 फीट ऊंची है, ठीक है। और इसकी फॉर्मेशन कैसी है, कैसे बनाया गया है, तो टेराकोटा की जो टेराकोटा जिसको बोला जाता है, ठीक है, उस उन टाइल्स को, छोटे छोटे टाइल्स को जोड़ के जो है इसको बनाया गया है। ये देखिए ये आपको क्या है, ये किंग्स ऑफ डार्क चैम्बर, ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है, अभी भी है, ठीक है। जो लोग लखनऊ या इसके आसपास रहते हैं वो इसको देख सकते हैं जाके, ठीक है जी। कभी इसके आसपास कहीं गए हो तो ये सब चीजें देखनी चाहिए, ठीक, तो चीजें देख के ज्यादा समझ में आती हैं। अब देखिए इन्हों के दिमाग में जैसा था कि भाई मुझे इस तरह का भित्ति चित्र बनाना है, तो ये सब क्या है, ये अलग अलग छोटी बड़ी सारी इन्होंने क्या है 13,000 से ज्यादा इन्होंने अप्रोक्सीमेट 13,000 टाइल्स इन्होंने इस तरह की बनाई थी। ये देखिए कुछ की शेप आपको ऐसे दिखाई दे रही है, कुछ छोटी शेप्स की हैं, कुछ आपको इस तरह की शेप की दिखाई दे रही है, कुछ छोटी छोटी ऐसी शेप्स की हैं। तो अलग अलग तरह की इन्होंने टाइल्स का जो है निर्माण किया था। और इसका रीजन क्या था, ये इन्होंने एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंट किया था। इसका रीजन यही था कि भाई कम से कम जो है अगर भित्ति चित्रों में, अगर जैसे हम लोग भित्ति चित्रों को एक बार निर्माण कर देते हैं और जैसा हम चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हम चाह रहे हैं कि भाई ये तलवार इसके हाथ में बनानी है, अब तलवार ना बन के छोटा सा चाकू बन गया तो आप क्या करेंगे भाई, जो चीज आप बनाने वाले थे वो तो नहीं बन पाई ना। तो इसीलिए ये फॉर एग्जाम्पल है कि इसीलिए इन जो टाइल्स था, इन टाइलों का निर्माण इसीलिए किया गया था कि अगर इसमें कोई कमी हो तो कम से कम इन इस पार्ट को हटा के इसको कम से कम ठीक करा जा सके, यानी कि अगर इसमें कुछ त्रुटियां हैं तो उन त्रुटियों को खत्म करने की गुंजाइश रहे कम से कम हमारे पास, उनको दोबारा से ठीक किया जा सके। तो इसीलिए इन्होंने इस तरह के एक्सपेरिमेंट यूज किए और इस तरह से अपने भित्ति चित्रों का निर्माण किया, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आई? हाँ बिल्कुल। अब देखिए जो हम बात कर रहे थे कि राजस्थान के जो क्राफ्ट मैन जिनको कहा जाता है, ग्यारसी लाल वर्मा, ठीक है, इन्होंने इनकी हेल्प की थी। और जब ग्यारसी लाल वर्मा का नाम आता है तो केजी सुब्रमण्यम ने बच्चों के लिए लकड़ी के छोटे छोटे खिलौने बनाए थे, लकड़ी के खिलौने जिनको अभी आप देख पाते हैं। इनकी शुरुआत देखिए हुई तो बहुत पहले से ही है, लेकिन एक होता है काल्पनिक खिलौने। काल्पनिक खिलौने कैसे हैं, जैसे लड़कियां सोचती है ना फेरी टेल्स के बारे में, फेरीज हैं छोटी छोटी, जैसे हम लोग देखते हैं डिज्नीलैंड है, वंडरलैंड है, आज के टाइम में तो बहुत सारे लैंड्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो उस समय के हिसाब से जो बच्चों की इमेजिनेशन तो उस समय भी रही होगी, तो जैसे उनकी इमेजिनेशन के हिसाब से कुछ करेक्टर से कुछ खिलौने थे जो उन्होंने लकड़ी के बनाए थे बच्चों के लिए। और इसमें भी जो है केजी सुब्रमण्यम की हेल्प किसने की थी, तो ये जो राजस्थान के क्राफ्ट्समैन कहे जाते थे ग्यारसिला, इन्होंने इनकी हेल्प की थी। ये भी आपके लिए एक मतलब याद रखने वाली चीज है, क्योंकि ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें कि अगर देखिए अभी हमने बात की कि केजी सुब्रमण्यम जो है उन्होंने एक समान रूप से, चाहे हम भारतीय शैली की बात करें, भारतीय शैली में भी लोक शैली की, और चाहे हम बात करें यूरोपियन शैली की, दोनों को समान रूप से इन्होंने अडॉप्ट किया था, दोनों को समान रूप से इन्होंने समायोजित किया था। अब वैसे ही भाई किसी से कोई प्रभावित रहे होंगे, अगर अगर इनकी पेंटिंग्स में अगर हम पश्चिमी प्रभाव देखते हैं कि पश्चिम में किससे ही प्रभावित थे, तो ये बराक और मातिस से ज्यादा प्रभावित थे। इनका इनकी पेंटिंग्स का आपको प्रभाव केजी सुब्रमण्यम की पेंटिंग्स में दिखाई देगा। अब इन दोनों में से भी ज्यादा किसका प्रभाव दिखाई देगा, तो वो मातिस का प्रभाव ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है। मातिस की जो पेंटिंग्स है उनका प्रभाव आपको इनकी पेंटिंग्स में, यानी केजी सुब्रमण्यम की जो पेंटिंग्स है इनमें दिखाई देगा। अगर बात करें भारत की, भारतीय में कौन सी शैली थी जिससे प्रभावित थी, तो भारत में, हमारे भारत में जो लोक कलाकार थे, ठीक है, अभी बड़े बड़े नामों की बात हम नहीं कर रहे हैं कि जी अवनींद्रनाथ टैगोर की शैली से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे या इसकी शैली से उसकी शैली से, नहीं, भारतीय शैली में भी जो हमारे लोक कलाकार हैं और जो लोक शिल्पी होते हैं, ठीक है, आप अभी हम नॉर्मल वर्ड्स में क्या यूज करते हैं कि मिस्त्री हैं, छोटे छोटे कुछ काम कर रहे हैं, कोई मूर्तियां बना रहे हैं, या अभी हमने देखा है दुर्गा पूजा के लिए स्पेसिफिक मूर्तियां बनाते हैं पंडालों के लिए, या गणेश चतुर्थी के लिए बनाते हैं, तो कई ऐसे छोटे छोटे जो लोक कलाकार जो आपको लोकली कहीं ना कहीं काम करते हुए दिखाई देंगे, उनकी जो कला होती थी उनसे ही बहुत ज्यादा प्रभावित थे, ठीक है। लोक कलाकारों में भी जो लोक शिल्पी थे उनकी कलाकारों से ये बहुत ज्यादा प्रभावित रहते थे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई इनके भित्ति चित्रों में इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने टेरिकोटा के टाइल्स बनाई थी और फिर उनको दीवार पे लगाते थे, ताकि भाई कम से कम क्या करें, अगर कोई चीज ढंग से नहीं बन पाई है तो उसको गुंजाइश रहे कि उसको हम दोबारा से ठीक कर पाए। और वो टाइल्स कुछ इस तरह की थी,
ठीक है, एक तो हमने अभी डार्क द किंग्स ऑफ डार्क चैम्बर में मैंने आपको दिखाई कि उनकी फॉर्मेशन क्या है, अलग अलग है, वो तो उनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद इन्होंने कुछ इस तरह की टाइल्स बनाई हैं, ये देखिए, ये इनकी फिर भित्ति चित्रों की, या हम कह सकते हैं कि इन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया अपनी शैली में। ये इस तरह के म्यूरल्स छोटे छोटे बनाते थे, कई छोटे छोटे म्यूरल्स मिलेंगे इस तरह के, कई बड़े बड़े म्यूरल्स मिलेंगे, तो ये भी किस शेप में आपको दिखे दिखाई देंगे यहाँ पे। इसमें भी इन्होंने क्या किया है, अब्स्ट्रैक्ट जो आकृतियां हैं, मानव आकृतियां, अमूर्त मानव आकृतियां जिनको कहा जाता है, देखिए उसको इन्होंने इसमें भी यूज किया है। ठीक है, चाहे हाथ पांव की बात करें, कुछ ऐसे अलग अलग तरह की फॉर्मेशन इन्होंने अपने म्यूरल्स में बनाई है। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी जैसे हमने, आपने, आप तो अभी नए बच्चे हैं ना, हाँ हाँ बिल्कुल मिला है अभी, बिल्कुल सही कह रही है देवती, बिल्कुल सही कह रही है। अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। अभी अगर किसी ने वो देखा होगा ना मालगुडी डेज, ठीक है, किसी ने देखा होगा वो, हम लोग जब छोटे थे तो वो ये कुछ कुछ चीजें इस तरह की जब आया करती थी, यानी हम लोगों के टाइम में तो टॉम एंड जेरी भी था, वो भी देखा है हम लोगों ने, लेकिन एक बात कर रही हूँ जैसे मालगुडी डेज में अगर आपने देखा होगा तो कहीं ना कहीं आप उस टाइम को इस टाइम से आप कंपेयर कर पाएंगे। वहां पे भी कुछ ऐसी चीजें थी ना कि बच्चे नए नए एक्सपेरिमेंट करते थे, जो उसमें जो मेन करेक्टर है, तो वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे वो चीजें सेम दिखाई देंगी। ठीक है, चलिए अब ये क्या है, ये इनके भित्ति चित्र है, ये इन्होंने बनाया है अवशेषों का युद्ध 2012 में बनाया है कैनवस पर एक्रेलिक से, और ये कुछ इस तरह से है। और जो मैं आपको कह रही थी कि अगर आपने शांति निकेतन में कला भवन देखा है तो वो वहां पे भी आपको कुछ इस तरह का कुछ ये दिखाई देगा। अब देखिए अगर आप इसकी विषय वस्तु देखें तो जैसे हम बात कर रहे थे कि राजस्थान और जो गुजरात की जो शैली है उनसे ये प्रभावित है, उनका प्रभाव दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा जी, क्योंकि जिस हिसाब से ये देखिए इन्होंने ये क्या है पार्टीशन किया है और भित्ति चित्रों का निर्माण किया है, ये कहीं ना कहीं कैसी फॉर्मेशन है इनकी, ऐसे लगता है जैसे लघु चित्रकला हो, है अब्स्ट्रैक्ट में है लेकिन कहीं ना कहीं लघु चित्रकला की तरह आपको कुछ कुछ चीजें इसमें आपको दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, देखिए है ना, तो ये किस तरह के हैं, ये कुछ लघु चित्रकला, यानी कि लघु चित्रकला में भी हम ये पर्टिकुलर नहीं कह सकते, जो राजस्थानी और गुजरात की जो शैली है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 2012 में इन्होंने ये बनाया था और 2016 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 2016 में इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी अपनी मृत्यु के 4 साल पहले इन्होंने ये जो है अवशेषों का युद्ध जो है इसको इन्होंने बनाया था। ठीक है जी, चलिए अब इसके बाद बात करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, पूछा जा भी सकता है कि देखिए अगर इनकी शैली की बात करें कि इनकी शैली कैसी थी, अगर हम म्यूरल्स और पेंटिंग्स की बात करें तो एक तो इनकी शैली में विविधता पाई जाती है, बिल्कुल विविधता पाई जाती है। इन्होंने अगर भित्ति चित्र भी बनाए हैं तो उसमें भी कई इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, चाहे आप टेरिकोटा स्टाइल ले लें, चाहे जो ये वाली जो है ये शैली ले लें। ठीक है, इसमें क्या है, जो अवशेषों का युद्ध है यहाँ पे भी आपको चीजें दिखाई दे रही है भाई, क्योंकि ये वाली जो शैली है ये वो टेरिकोटा के जो टाइल्स हैं उससे बिल्कुल अलग है, भित्ति चित्र ही है लेकिन इस तरह से इन्होंने बनाया है। और अगर हम इनकी पेंटिंग्स की बात करेंगे तो वहां पे भी आपको विविधता दिखाई देगी, चाहे हम उसमें वाटर पेंट्स की बात करें, चाहे एक साथ दोनों को यूज करना हो उसकी बात करें, तो इस तरह से इन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो इनकी जो, चाहे हम पेंटिंग्स की बात करें चाहे भित्ति चित्रों की बात करें, वहां पे आपको विविधता इनकी शैली में दिखाई देगी, मौलिकता बिल्कुल दिखाई देगी, क्योंकि चीजें जो है एकदम एक्यूरेट है, कहीं ना कहीं जो है इन्होंने जो अपने मन के भाव है वो एकदम मौलिक इन्होंने दिखाए हैं और सृजनात्मक तो है ही है, क्योंकि देखिए जब तक कोई चीज, किसी नई चीज को एडॉप्ट करके आदमी कोई नई चीज नहीं बनाते तब तक वो सृजनात्मक कैसे हो सकती है, यानी कि इनकी शैलियों से जो पुरानी शैली है उनसे नई शैली ने जन्म लिया और वो इस तरह की शैली थी जो इन्होंने बनाई थी। और ये सब जो रीजन थे, यही सब रीजन थे जिन्होंने इनकी पेंटिंग्स को या इनके म्यूरियल्स को जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है इनको एक पहचान दिलाई, इनको वो ख्याति दिलाई। ठीक है जी, इसके बाद अब इसके बाद बात करेंगे, ये तो बात होगी इनकी म्यूरल्स की, अब बात करेंगे इनकी पेंटिंग्स की, कि इनकी पेंटिंग्स में अगर विविधता है, या इन्होंने अगर समान रूप से ये भित्ति चित्रों के लिए भी फेमस थे और पेंटिंग्स के लिए भी, तो उनमें इनकी पेंटिंग्स में ऐसी क्या बात थी। ठीक, तो देखिए जब केजी सुब्रमण्यम के चित्रों की बात करते हैं, विषय वस्तु की बात करते हैं, विशेषता की बात करते हैं, टेक्निक की बात हम लोग कर चुके हैं, तो इन्होंने अपनी जो पेंटिंग्स है उसमें एक जो बहुत बड़ा विषय था वो उठाया था, स्त्री के विविध रूप। ठीक है, स्त्री के विविध रूप, अभी तक हमने क्या देखा है, अभी तक हमने देखा है कि अगर जब हम मॉडर्न आर्ट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इट्स कहने में
कुछ चीजें बहुत खराब लगती हैं कि इट्स वेरी सैड कि अगर हम अब बात करें मैक्सिमम मॉडर्न आर्ट में भी, अगर स्त्री दृश्यों की भी बात करें, स्त्री चित्रों की भी बात करें, तो मैक्सिमम जो पेंटर्स हैं उन्होंने स्त्रियों की न्यूड पेंटिंग्स बनाई हैं, ठीक है। अगर हम इनकी बात करेंगे, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने स्त्री के हर रूप को दिखाया है। बहुत सारे ऐसे पेंटर्स भी हैं जिन्होंने मातृत्व की भावना दिखाई है, जो अगर हम उससे पहले, अगर मॉडर्न आर्ट को छोड़कर उससे पहले की पेंटर्स की बात करें, तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन उन्होंने क्या दिखाया है, उन्होंने एक स्त्री का एक सौम्य रूप दिखाया है, या तो किसी ने देवी रूप दिखाया है। अब इनके जो चित्रों में विशेषता है, जो चीज आपको समझनी है, कि इन्होंने स्त्री का हर रूप दिखाया है, उसमें चाहे कोई स्त्री जो है वो बच्चा जनती हो, चाहे वो दूध पिला रही हो, चाहे बच्चे को पाल रही हो, चाहे बाजार से सामान ला रही हो, चाहे मजदूरी कर रही है, चाहे वो घर में उसको चाहे परेशान किया जा रहा है, चाहे वो दंगों का शिकार हो रही है, और लास्ट में क्या है, इन्होंने महिषासुरमर्दिनी के रूप में भी जो स्त्री है उसको दिखाया है कि भाई अगर जो है बहुत ज्यादा तंग किया जाएगा तो बाद में स्त्री जो है वो इस तरह से विकराल रूप भी ले लेती है। कहीं कहीं पे इन्होंने स्त्री को बहुत डरा हुआ दिखाया है, तो दूसरे फेस में इन्होंने क्या किया है, स्त्री को बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाया है। यानी इन्होंने स्त्री का हर एक रूप दिखाया है, और ये कहीं ना कहीं इनके चित्रों की विशेषता है। ये जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब इनकी पेंटिंग्स के टाइटल हैं, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली सबके ये नाम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। ये सब इनकी पेंटिंग्स हैं, सब इनकी पेंटिंग्स के टाइटल हैं, जो स्पेसिफिक इन्होंने वुमेन्स को लेके बनाए हैं, ठीक। तो ये तो बात होगी जी वुमेन्स की, कि इन्होंने वुमेन्स की पेंटिंग्स किस तरह से बनाई है। और इसमें भी अगर बात करें, ये देखिए यहाँ पे एक पेंटिंग है, एक ही पेंटिंग में इन्होंने चार जो है अलग अलग रूप स्त्री के दिखाए हैं। यहाँ पे जी बच्चे को पाल रही है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, बच्चा बीमार है तो सौम्यता से उसको देख रही है, यहाँ पे इनको घर में परेशान किया जा रहा है, पीछे से ताने दे रहे हैं और ये रो रही है तो वो भी दिखाया है, और यहाँ पे कुछ सोच रही है तो वो भी दिखाया है। इसके बाद और भी कुछ एक पेंटिंग है जो मैं आपको दिखाऊंगी, इसके बाद दिखाते हैं। तो इसके बाद बात करेंगे कि जो इनका दूसरा जो विषय था पेंटिंग्स का, वो है सांप्रदायिक स्थितियां। अब इन्होंने सांप्रदायिक स्थितियों में सिर्फ ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण फैमिली से हैं जी हिंदुओं को ही दिखाया है, इनकी पेंटिंग्स में चाहे पंडित हो चाहे मौलाना हो, इन्होंने दोनों को दिखाया है। और उनमें जिस तरह की सांप्रदायिकता उस समय के, आपको पता है वो टाइम देख लें तो किस तरह की सांप्रदायिक स्थितियां थी, कौन कौन लोग उनको भड़का रहे थे, क्या क्या चीजें हो रही थी, या कहीं पे मिल के भी बैठ के बात कर रहे हैं, कहीं पे मिल के फेस्टिवल्स भी मना रहे हैं, तो वो सब चीजें भी इन्होंने क्या किया है, अपनी पेंटिंग्स में दिखाई है, ठीक है। ये क्या है, ये आती है इनकी सांप्रदायिक स्थितियों में इस तरह की विषय वस्तु। उसके बाद बात करेंगे व्यंग्य प्रहार। देखिए जब हम व्यंग्य चित्रों की बात करते हैं, सबसे पहले नाम आता है गगनेंद्रनाथ टैगोर का, ठीक है। उन्होंने, उनकी जो शैली थी व्यंग्यात्मक शैली थी, लेकिन उनकी शैली में वो व्यंग्यात्मक शैली कैसी थी, एज अ कार्टूनिस्ट उन्होंने कार्टून्स बनाए थे। अब इनकी जो व्यंग्यात्मक शैली है, या इन्होंने जो व्यंग्य प्रहार किए हैं अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से, तो वो भी कैसे हैं, वो भी अब्स्ट्रैक्ट हैं, अमूर्त हैं, ठीक है। यानी कि वो भी कैसे बने होंगे, ये इसी तरह के जो मॉडर्न आर्ट है उसी में बने होंगे, अमूर्त जो शैली है उसी में इन्होंने व्यंग्य प्रहार किया है। अब व्यंग्य प्रहारों में क्या है, जो उस समय समाज में जितनी भी कुरीतियां फैली थी, चाहे उनकी बात कर लें, चाहे और भी किसी भी विषय वस्तु की बात कर लें, छोटी छोटी चीजें हैं, बड़े बड़े टॉपिक हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी पेंटिंग्स में दिखाने की कोशिश की थी। काफी सारी इन्होंने पेंटिंग इस टाइटल पे भी बनाई है, इस विषय पे बनाई है। उसके बाद जो कुछ अलग था, यूनिक था, जो अभी तक किसी ने नहीं बनाया था, वो था कुर्सी के विविध रूप, ठीक है जी, कुर्सी के विविध रूप, शांति निकेतन में, ये है भाग्यश्री शर्मा। देखिए शांति निकेतन में जो प्रावधिक कला है उसकी शिक्षा नहीं दी जाती है, बाकी वहां पे मैक्सिमम हर चीज की शिक्षा दी जाती है, ठीक है। और अभी देखिए इसकी वैकेंसीज भी निकली हैं शांति निकेतन में, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो वहां जाने के लिए, तो आप शांति निकेतन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जी, हाँ ठीक है, हाँ भाग्यश्री, व्यावसायिक, बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रावधिक कला इसका वर्ड है, ठीक है, हाँ व्यावसायिक कला, प्रावधिक कला वही है, ठीक है, उसी का वर्ड है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना, उसी की नहीं होती है, बुक मैंने पढ़ा है, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब जो हमने शांति निकेतन के बारे में पढ़ा था, जब हमने रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ा था, तो आपको वो क्लास देख लेनी है, उसमें पूरा डिटेल में बताया है कि भाई वहां पे कौन कौन से डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसके बारे में भी हमने बात की थी।
किस किस तरह की एजुकेशन वहाँ दी जाती है, वहाँ पे आश्रम शैली है, आश्रम पद्धति है, इवन वहाँ पे मैं उस पेड़ का नाम भूल रही हूँ जहाँ पे पेड़ों के नीचे बैठ के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, वहाँ से कोई ग्रेजुएट होता है तो उनको वो 7 पत्ते जरूर दिए जाते हैं। आज भी ये परंपरा चली आ रही है रविंद्रनाथ टैगोर के समय से, जो भी ग्रेजुएट होते हैं उनको वो पत्ते दिए जाते हैं साथ, क्योंकि उसके बीच में से एक फूल निकलता है जो वहाँ पे पेड़ लगे हैं। ठीक है, कैंपस की भी मैंने आपको दिखाई थी। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार आया और मैंने आई थिंक डाला भी है ये क्वेश्चन एक बार किसी आपके प्रैक्टिस सेशन में, है ना। चलिए ठीक है, तो उसके बाद बात करेंगे जो इनका और जो दूसरा विषय था वो था कुर्सी के विविध रूप। आप कुर्सी के विविध रूप में आपने बिल्कुल आज को, आज के टाइम को जोड़ के देखना है, जब हम कुर्सी की बात करते हैं तो क्या याद आता है, पॉलिटिक्स, है ना, सॉरी पॉलिटिशियंस जो अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। ये जो कुर्सी के विविध रूप है उसमें इन्होंने यही दिखाया है कि किस तरह से हर धर्म के लोग जो हैं कुर्सी के पीछे लड़ रहे हैं। ठीक, और कुर्सी क्या है, राजनीति के लिए लड़ रहे हैं, वो भी इनके पेंटिंग्स में एक अलग विषय वस्तु थी। और इसमें भी इन्होंने कई पेंटिंग्स बनाई इस विषय को लेके, किस तरह से जो नेता हैं या और भी लोग हैं, चाहे वो, उनमें लिखा था कि कुर्सी की रेस जो है उसमें मुल्ला भी थे और उसमें संत भी थे, है ना, तो उन दोनों को भी दिखाया गया इसमें भी, उसको भी कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता से जोड़ जोड़ के देखा गया था। उसमें भी इन्होंने क्या किया है, कुर्सी के अलग अलग रूप दिखाए हैं कि भाई कुर्सी को पाने के लिए किस किस तरह का लोग प्रयास करते हैं और क्या क्या किया जाता है। तो ये क्या है, ये इनकी पेंटिंग्स की विशेषता है जिसकी वजह से इनकी पेंटिंग्स, चाहे हम भित्ति चित्रों की बात करें चाहे इनकी पेंटिंग्स की बात करें, जो बहुत ज्यादा फेमस होगी। ठीक है, एक जो स्त्रियों की विषय वस्तु है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा चुकी हूँ। अब देखिए, अगर हम बात करें जो विमेन्स को लेकर इन्होंने पेंटिंग्स बनाई थी, सारी मैंने एक तरफ आपको दिखा दी है कौन कौन से टाइटल्स है उसमें। अब उसमें यानी कि कौन कौन विषय है, कौन कौन सी इन्होंने पेंटिंग्स बनाई है, वो सारी पेंटिंग्स है जो मैंने वहां पे नाम दिए हैं। उसके बाद बात करेंगे कि इनके कौन कौन सी जो मेन और पेंटिंग्स है, इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं जहाँ पे आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें सबसे पहले है ताज पर बेला वादन। अब ये जो ताज पर बेला वादन है, ये जो इनकी सांप्रदायिक जो विषय वस्तु थी उसको लेकर इन्होंने बनाया था, जो व्यंग्य ये करते थे कि भाई जरूरी नहीं है जो ताजमहल है उसको आप एक रिलीजन के साथ जोड़ के आपने देखना है, वहां पे जाके शाम को तबले पे वेला वादन भी किया जा सकता है, ये कहीं ना कहीं इनके टॉपिक रहे हैं। उसके बाद शिव पार्वती है, ठीक है जी, बनारस है, राधा रानी है और शिकारी है। देखिए इसके बाद हम राम कुमार वर्मा के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने पूरी बनारस सीक्वेंस बनाई है, ठीक है, पूरी एक सीरीज बनाई है, सॉरी बनारस को लेके, बनारस श्रृंखला बनाई है। लेकिन जो है, अगर बनारस का जो पेंटिंग एक जो है वो किसने बनाई है, वो केजी सुब्रमण्यम ने भी बनाई है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बाद में जब मैं क्वेश्चन आंसर का सेशन चलाऊंगी तो उस टाइम कुछ बच्चे आर्गुमेंट करने लगते हैं कि मैम ये तो उनकी पेंटिंग है। नहीं, एक पेंटिंग कई कई पेंटर्स ने बनाई है, लेकिन सबकी क्या है भाई, अलग तरह से सबने बनाई है। ठीक है, तो इसलिए अभी साथ साथ हमने देखते जाना है कि इन्होंने भी बनारस पेंटिंग बनाई है और उनकी तो पूरी की पूरी श्रृंखला है। ठीक, तो ये इनकी कुछ मेन मेन पेंटिंग्स है। इसमें जैसे कि अभी हमने बताया शिव और पार्वती, तो ये इनकी पेंटिंग है शिव और पार्वती, ये इन्होंने ऑयल पेंट से बनाई है, और इसको जो है कई जगह पे शिव पार्वती इसका टाइटल है और कुछ एक जगह पे इसका टाइटल कैलाश भी है। ठीक है जी, कई जगह पे इस पेंटिंग का नाम कैलाश भी है, कुछ वेबसाइट पे इस पेंटिंग का नाम शिव पार्वती है और कुछ वेबसाइट्स पे इसका नाम कैलाश है, एक ही पेंटिंग है, कंफ्यूज नहीं होना है। और इस तरह की ये पेंटिंग है, क्यों मैं आपको बता रही हूँ, मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही पेंटिंग है, मैं बार बार कहती हूँ पेंटिंग्स को देख के एटलीस्ट आपको जो है पेंटर्स याद रहते हैं, इसलिए मैं आपको पेंटिंग साथ साथ में दिखाती चलती हूँ। ठीक है, ये क्या है, प्लास्टिक शीट पे इन्होंने ऑयल पेंट से ये बनाई है। अब इसके बाद बात करेंगे जी कि इनकी प्रदर्शनियां कहाँ कहाँ पे लगी। देखिए अगर बात करें 1955 से, इसके बाद जब इन्होंने 55 में जब इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, उसके बाद क्या हुआ जी, इनकी इन्होंने अपनी जो पेंटिंग्स हैं उसकी इन्होंने एग्जीबिशन भी स्टार्ट कर दी थी 1955 से लेके अब तक। अगर बात करें तो इनकी, अगर सिंगल, अगर इनकी पेंटिंग्स की बात करें या इनकी एग्जीबिशंस की बात करें तो 40 से ज्यादा ऑल ओवर द इंडिया या कहीं बाहर भी बात करें, सिर्फ और सिर्फ इनकी जो है सिंगल एग्जीबिशन जो है लग चुकी है अभी तक। ठीक है, यानी कि सोलो एग्जीबिशन जिनको कहा जाता है, ठीक है, सोलो एग्जीबिशन यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिर्फ इनकी पेंटिंग्स को दिखाया गया था इन प्रदर्शनियों में। और वो कहाँ कहाँ पे हुई है जी, दिल्ली में हुई है, मुंबई में, कलकत्ता, बेंगलुरु, चेन्नई, शांति निकेतन, बड़ोदरा, न्यूयॉर्क और ऑक्सफोर्ड में, यहाँ यहाँ पे अप्रोक्सीमेट जो है 40 से ज्यादा इनकी सोलो एग्जीबिशन लग चुकी है। ठीक,
1955 से अब तक। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इनकी जो कुछ मेन मेन जो इनकी इंटरनेशनल एग्जीबिशंस हैं जहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, कौन कौन सी है एक बार देखते चलना है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताती चलूंगी। बेल्जियम में इंडियन आर्ट प्रदर्शनी 1966 में लगी थी, जापान में एशियन कलाकारों की प्रदर्शनी लगी थी 1979 और 80 में, उसके बाद इंडियन आर्ट वॉशिंगटन डीसी यूएसए 1960 में, सॉरी 1980 में, और उसके बाद था ये एग्जीबिशन अंडर फेस्टिवल ऑफ इंडिया लंदन 1982। ठीक, उसके बाद फेस्टिवल ऑफ इंडिया जापान, ये प्रीवियस ईयर्स में एक बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि इसको जो है पूछा गया था कि ये कहाँ पे ये आयोजित हुई थी, तो फेस्टिवल ऑफ इंडिया मैक्सिमम बच्चों को लगा कि भाई ये इंडिया में ही आयोजित की गई होगी ये प्रदर्शनी, लेकिन ये कहाँ पे हुई थी, ये जापान में हुई थी